क्या आप अब भी नरसंहार शब्द के इस्तेमाल को लेकर सोच रहे हैं, बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, केस हो जाएगा? इसलिए अमीर और मिडिल क्लास ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके लिए प्राइवेट अस्पताल कम पड़ जाएंगे। इस बार उन्हें पता चला कि हर प्राइवेट अस्पताल अस्पताल नहीं होता, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ औसत होते हैं और ज्यादातर दुकानें होती हैं। वाह, मैं जानता हूँ आप जो कहना चाहते हैं उससे डर रहे हैं, आप जीनोसाइड या नरसंहार कहने से डर रहे हैं। अगर इसे साफ साफ नहीं कहा गया तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी बेईमानी होगी। जैसे रविवार को गुजरात के प्रतिष्ठित अखबार गुजरात समाचार ने पहले पन्ने की बैनर हेडलाइन से ऊपर एक लाइन लिखी, जब देशवासी कोविड से मर रहे थे तब लोक सेवक सरमुख्तियार बन रहे थे। गुजराती में सरमुख्तियार का एक मतलब तानाशाह भी होता है। दिल्ली में बन रहे 22,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता का भी जिक्र है। लिखा है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, कोरोना के बीच फकीर अपना घर बना रहा है। वाह! कोई सीधे नहीं कह रहा कि तानाशाह कौन है। जैसे मरीज अस्पताल ढूंढ रहे हैं उसी तरह अदालत और मीडिया अल्फाज ढूंढ रहा है। अवनी जी, अवस्थी जी, मैं वैसे ये कोई समय किसी की प्रशंसा करने की नहीं है, मगर कहना तो पड़ेगा ना, मगर ये मानना तो पड़ेगा ना अवनी जी, अवस्थी, ये सरकार ऐसी है जो सुनती है, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ मामले पर जितनी एक्शन लेनी चाहिए थी उन्होंने ली है। तो हमारी बड़ी सीख क्या है? मेरा पहला सवाल ये है कि किशोर तिवारी जी, लॉकडाउन लौट आया, आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया लॉकडाउन को, या सुजाता पॉल जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से कांग्रेस वाले बात करते हैं, लग के तो ऐसा लगता है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने कहा कोरोना वापस आ जाओ। आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ केंद्र सरकार पर डाल दो, पॉलिटिक्स करो, सियासत करो, ये नकारात्मक बातें, आपकी बातें सारे नकारात्मक तरीके की नेगेटिव वाली बातें हैं। नहीं, यही तो बात है, आप कर क्या रहे पिछले 5-6 दिन से? प्रधानमंत्री ने, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ने सीधा दखल दिया। पहली बात, खुद प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से बात, आज उन्होंने फार्मा कंपनियों से भी बात, है ना। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं कि दवाइयों की कमी नहीं हो। प्रधानमंत्री के दखल के बाद इस तरह आज युद्ध स्तर पर लड़ाई हो रही है कोरोना के खिलाफ। और बताइए, और क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो कर दिया केंद्र सरकार ने। हम घोर लापरवाहियों का क्रूर समय देख रहे हैं, यह हम पर थोपा गया है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में एम्बुलेंस धूल खा रही, सांसद निधि फंड से खरीदी गई है, यानी जनता के पैसे से। इस महामारी में 30 एम्बुलेंस का नहीं चलना कितना भयावह है। यह तो और दुखद है कि प्रशासन को पत्र लिखने के बाद भी एम्बुलेंस खड़ी है। लोगों से एम्बुलेंस वालों ने 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक वसूले हैं, खुलेआम लूट हुई है। इसलिए जरूरी है कि हर वो आदमी जो इस अनुभव से गुजरा है उसे दर्ज करना ही होगा। बड़ा सा पोस्टर बनाए, उस पर अपनी आप बीती के एक एक डिटेल लिखी और अपने घर की छत या बालकनी के बाहर लटका दीजिए। अखबार और टीवी से नहीं होगा, आप ये बात जानते हैं। दोस्तों, देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ा है, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ सियासी पार्टियां राजनीति में लगी हैं। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना, कभी ये देश से सवाल पूछते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर डालकर अपनी सियासत हम चमकाने लगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंध विरोधी कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रहे हैं? पहली बात, ब्रेकिंग खबर यह है, खुले बाजार में मिलेगी वैक्सीन, खुले बाजार में वैक्सीन मिलेगी। वाह, अब तो कुछ तो कहे, चुप हो गए। सुजाता जी कुछ नहीं बोल पा रही, संजय जी कुछ नहीं बोल पा रहे, अब क्या बोलेंगे, कैसे कोसेंगे विनय जी, कैसे कोसेंगे नरेंद्र मोदी को? हाँ जी बोलिए। मैं तो प्रशंसा करता हूँ इसमें, केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी डिसीजन ले ली है, हम सबको आज अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर। 1 तारीख से सरकार सबको टीका देगी, सबको टीका मिलेगा। अब बस करो भाई, बस करो, बहुत हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा आज कुछ। संजय शर्मा जी, आप मायूस क्यों? आज किशोर तिवारी का चेहरा लटका हुआ क्यों? आज सुजाता पॉल गुस्सा क्यों? अब क्या कहेंगे? आप कुछ कहेंगे नहीं, आप ताली तो बजाइए ना नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ नहीं रहे। और एक साल में वैक्सीन तैयार किसने की? ये वैक्सीन कैसे हुई? ये लोग कोविड से ज्यादा खतरनाक कैसे हुई? टीका लगाया आपको मिला कहाँ से? सीरम इंडिया को करोड़ों लोगों को वैक्सीन देने की परमिशन वगैरह किसने दी? प्रोत्साहन किसने दिया? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इसकी पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग जो होना है, प्लानिंग किसने की, तैयार किसने की? कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर इस तरह से इशारे किए गए,
जैसे सरकार के पैसे से रिसर्च हो रहा है और उत्पादन हो रहा है, क्योंकि बताया तो यही जाता है या आपको लगता है मीडिया ने आगे बता दिया कि भारत ने विकसित किया है। इस तरह से बताया जाता है कि भारतीय कंपनियों और भारत सरकार का फर्क मिट जाता है। 11 मई की बात बताता हूं, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहती है कि उसने टीके के विकास में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। साफ साफ लिखा है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड के रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार की सरकारी सहायता या ग्रांट मदद नहीं दी गई थी। बताइए तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि टीका बनाने वाली दो बड़ी कंपनियों को एक नया पैसा नहीं, दूसरे के पैसे से बने टीके पर अपना फोटो चिपकाकर छवि बनाई गई और राजनीति की भावना आहत भी नहीं हुई। तो फिर वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर पैसे देने की खबरें क्या थी? किसे मिला पैसा जो 12 नवंबर 2020 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है? ये 900 करोड़ किसे दिया गया? किसने तैयार की बताइए मुझे, आज बताइए, बताना ही होगा। एक और प्रसंग बताता हूँ, जैसे आप अस्पताल ढूंढ रहे थे और मीडिया ठाकुर सुहाती के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था, रेल मंत्री रोज ट्वीट कर रहे थे कि उनकी रेलगाड़ी यहाँ से ऑक्सीजन लेकर वहाँ जा रही है, उसी समय अदालत में भी बहस चल रही है कि ऑक्सीजन है कहाँ, पहुँच क्यों नहीं रहा है, लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए हैं, मंत्री के ट्विटर पर ऑक्सीजन पहुँच रहा है, अदालत की बहस में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा। जिनकी जवाबदेही है उनका नाम लेकर कहा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने क्या किया। यह कहानी आपकी ही है जो मैंने बताई, मैंने तो बस जो देखा और कहा।